Preview. मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ आईडीएस का प्रोजेक्ट। मेरे साथ दो ग्रुप मेंबर हो रहे हैं, मोहम्मद ताहयामी और मोहम्मद हसन चौहान। अभी जो हमने एक डेटा सेट लिया, उसमें ईवी में जो यूज कार्ड लिस्ट होते हैं उन्हें हम एनालाइज कर रहे हैं एक डेटा सेट के थ्रू, जो कि हमने occasion.csv के नाम का डेटा सेट की एक फाइल ली, उसे रीड करवाते हैं। डेटा सेट को एनालाइजिंग के लिए हम पांडास लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, नमपे, पेप्लॉट और सीबॉन ग्राफ वगैरह के लिए यूज कर रहे हैं। पहले हमने csv रीड करवाई और उससे हमने ऑटोज के एक वेरिएबल वगैरह में हमने सेव करवा दिया। डॉट हेड करवा के हम स्टार्टिंग की 4-5 वैल्यू हमने चेक करवा ली अदर टेस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद इन्फो किया autos.info, उसके अंदर जितने भी कॉलम्स आए हैं उनकी इन्फो क्या क्या है, जैसे डेट है, नेम, सेलर, ऑपरेटर, ये सारे हमारे कॉलम नेम है, उनकी टाइप, काउंट, नल, सब उस पर उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। फिर उसके बाद ऑटो डॉट डिस्क्राइब इंक्लूड ऑन। अब इंक्लूड इस डिस्क्राइब में उसने हमें जो ऑटोज का जो हमारा वेरिएबल है उसने उस पूरे टेबल को डिस्क्राइब कर दिया कि कौन सा कॉलम है, उसमें कितना काउंट है, यूनिक वैल्यूज कितनी है, एक कॉलम में टॉप क्या है, फ्रीक्वेंसी, सब उसने हमें डिस्क्राइब करके ला के दे दिया हर कॉलम के। फिर उसके चेकिंग नल वैल्यू, SNS जो सीवॉन हमने लिए उसके थ्रू हम मैप करवा रहे हैं PLT.show जो है, PLT हमने ऊपर एक वो लिया था अपना ग्राफ का वेरिएबल, और SNS में हमने ऑटो जो हमारा टेबल था वो हमने इसमें इस नल मतलब तो इसके अंदर नल वैल्यूज है वो प्लॉट करवाने के लिए हमने यहाँ पे शो करवा दिया। ये हमारे पास आ गए और ये जो हाईलाइटेड आ रहे हैं ये हमारी नल वैल्यूज है, ये इन कॉलम में ड्रॉपिंग द कॉलम फ्रॉम द डेटा था। अब ये जो है हम कॉलम ड्रॉप कर रहे हैं, ऑटोस का हमारा टेबल आ गया, उसमें ड्रॉप होने लगा है। ड्रॉप के फंक्शन हमने कॉलम के नाम दे दिए, सेलर, ऑफर टाइप, नंबर, पिक्चर्स, कन्वर्टिंग डेट। अब डेट टाइप हमने चेंज करनी है अपने हिसाब से, जो हम मैनेज कर सकते हैं। डेट को हम टाइम स्टैम्प में लेकर आएंगे तो pd.datetime का एक फंक्शन होता है, इसमें हमने डेट क्रॉल करके जो हमारा कॉलम का नाम था वो दे दिया और इसमें हमने इसे करवा दिया। और यहाँ पे हम मैक्स के फंक्शन से जो मैक्सिमम डेट है वो हमने प्रिंट करवा के चेक कर ली कि अब डेट का फॉर्मेट हमारे पास क्या आ रहा है। क्लीनिंग डेटा सेट, अब डेटा सेट को हमने क्लीन करना है। अब क्लीन करने के लिए जैसे प्राइस है, प्राइस में हमारे पास वो आ रहे होते हैं करेंसी आइकन्स, डॉलर, यूरो वगैरह, तो जिसमें डॉलर आ रहा था डेटा सेट की फाइल में हमने वो क्लीन करवा दिया। कॉमा सेपरेटेड जो आ रही होती वैल्यू कॉमा रिप्लेस करवा दिया। इसी तरह ऑडोमीटर के अंदर किलोमीटर वाइज वैल्यू दे रहा होता है और बीच में कॉमा सेपरेटेड होते हैं तो उन्हें हमने रिप्लेस करवा दिया। उसके बाद autos.info करा और जो हमारा टेबल था उसके हमने एक बार फिर से इनको चेक कर ले। इसी तरह ऑटो ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन नाम के कॉलम है उसमें हमने वैल्यू काउंट करवाई, सॉर्ट करवा दिया इंडेक्स वाइज और हेड टॉप 10 हम उठा कर लेके आ गए। फिर उसमें उसने हमें काउंट दे दिया वैल्यू का काउंट। इसी तरह ये 1000 ईयर जो है उसकी वन का आ रहा है, 1000 हर ईयर के अगेंस्ट उसका काउंट लेके आ रहा है कि किस ईयर की कितनी गाड़ीज वहाँ पर मौजूद है। ऑटो रजिस्ट्रेशन की काउंट में हमने क्या करा, उसका टेल उठा के लिया है नीचे लोअर की 15, तो ये 15 रिकॉर्ड आ गए। 2016 के हमारे पास 1316 कार्स हैं। इसी तरह ये नाम बता रहा है एयर रजिस्ट्रेशन और डेटा टाइप उसने उसकी बता दी कि इसकी क्या डेटा टाइप आ रही है। अब हमने एयर रजिस्ट्रेशन कॉलम की वैल्यू हम लेकर आए बिटवीन 900-2016 का, हमने सम निकाली कि टोटल 900 से लेकर 2016 तक कितनी व्हीकल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो ये टोटल काउंट हमारे पास आ गया। अच्छा, अब ये मैनुअली कैलकुलेशन हमने अपनी टेस्टिंग के लिए किए, तो टोटल जो व्हीकल थे हमारे पास 50,000 थे और ऊपर जो हमने निकाले 1900 और 2016 के दरमियान जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनका काउंट अब हमने माइनस करवाया, तो ये हमारे पास
1972 आ गया इनके अलावा, जो 1900 2016 के अलावा जो हमारे पास गाड़ियां हैं जो इनके दरमियान रजिस्टर्ड नहीं हुई, तो वो है 1972 और उसकी परसेंटेज है 3.9। अब इसी तरह हमने एक नोट का एक आइकन होता है, इससे ये होगा कि एयर रजिस्ट्रेशन हमारा 1900 और 2016 के दरमियान जो गाड़ियां रजिस्टर्ड नहीं हुई ये उनका काउंट लेकर आ गया। इसी तरह उनकी परसेंटेज भी आ गई। और अब हमने क्या करा, वही कॉलम जो हमने ऊपर लिया था उसको हमने एक पोल रजिस्ट्रेशन के उसमें सेव करवा दिया। फिर करेक्टेड ऑटोज में हमने इसी के बिहाफ पे ऑटोज के टेबल से डेटा कॉपी करके करेक्टेड ऑटोज में हम लेकर आकर, अब करेक्टेड ऑटोज का हमारे पास एक टेबल एक कॉपी जनरेट हो गया ऑटो का ही करेक्टेड ऑटोज के नाम से, जिसके अंदर हमारी मिनिमम जो है वो आ गई 1910 और मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन एयर ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गई 2016 आ गई। अब करेक्टेड ऑटोज के टेबल में जो है हमारे पास जितना भी डेटा है वो 1900 से लेकर 2016 तक के दरमियान का है। अब करेक्टेड ऑटोज में हमने प्राइस को डिस्क्राइब किया, प्राइस का कॉलम जो था हमने उसको डिस्क्राइब किया और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन लेकर आ गए। अब करेक्टेड ऑटोज प्राइस में हमने वैल्यू काउंट की इंडेक्स वाइज, अब इंडेक्स वाइज प्राइस में वो लेकर आ गया कि 0 प्राइस पे इतनी है, ऐसे करते करते उसने सारी पूरा काउंट उसने यहाँ पे शो करवा दिया। अब करेक्टेड ऑटो प्राइस में हमने वो ऊपर हेड प्रिंट करवाया था, ये यह हमने यहाँ पे टेल प्रिंट करवा दिया, टेल में 15 रिकॉर्ड जो है वो हमने यहाँ शो करवा दिया। इसी तरह करेक्टेड ऑटो प्राइस में हमने एक बिटवीन दे दिया 1 to 35, 350,000 के दरमियान जो गाड़ी है जिनकी प्राइस 1 to 350,000 है वो प्राइस बोल के में सेट वेरिएबल में सेट करवा दी, और जो कि हमने क्लीन नाम के वेरिएबल में ये पूरा टेबल हमने अपने पास कॉपी करवा दिया। क्लीन के इसमें हमने प्राइस चेक करी कि मिनिमम प्राइस हमारे पास कितनी है, तो 1 आ गई और मैक्सिमम 350,000 आ गए। इसी तरह क्लीन डॉट शेप पूरा जो टेबल है उसकी शेप लेकर आ गया, clean.info में पूरे टेबल के उसमें इन्फो ला के दे दी, जैसे हम ऑटो और करेक्टेड ऑटो की चेक करते हैं। अब क्लीन ब्रांड, अब ब्रांड के हिसाब से हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे, तो हमने सबसे पहले इसका वैल्यू काउंट ले लिया और फिर उसके बाद नॉन ब्रांड में ग्रेटर देन 5 किया, और कॉमन ब्रांड के अंदर हमने ऑल ब्रांडेड में जो ग्रेटर देन 5 आया वो हमने एक सेव करा था। अब कॉमन ब्रांड का अगर हम नीचे प्रिंट करते तो हमारे पास ये व्हीकल्स आ गई हैं। इसी तरह कॉमन ब्रांड डॉट इंडेक्स किया तो ये बिल्कुल उसके इंडेक्स वाइज उसमें हमें डेटा दिखा दिया। अब क्लीन ब्रांड में हमने इसे कॉमन ब्रांड जो इंडेक्स जो हमने ऊपर कॉमन ब्रांड निकाले हैं क्लीन में से हमने सिर्फ वो गाड़ियाँ निकाल ली। अब ब्रांड पोल को हमने कॉपी करवा दिया पॉपुलर ब्रांड में क्लीन ब्रांड के टेबल से निकाल के। अब पॉपुलर ब्रांड में हमारे पास गाड़ी आ गई और उसका हमने टोटल काउंट निकाल लिया वैल्यू काउंट, तो उसमें हमें दे दिया कि BMW इतनी, ओपल इतनी है, मर्सिडीज बेंज ऑडी सबका उसने हमें काउंट दे दिया। अब पॉपुलर ब्रांड का हमने शेप मालूम किया, ये हम आपस में शेप दे दिया, उसके बाद पॉपुलर ब्रांड के जो टेबल जो हमने अभी लिया उसका इन्फो मालूम की, उसने पूरी इन्फो दे दी। अब पॉपुलर ब्रांड का हेड, ये पूरा हेड उसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह अगर हम टेल करेंगे तो टेल प्रिंट हो जाएगा। पॉपुलर ब्रांड के ग्रुप बाय करवाया हमने ब्रांड और प्राइस वाइज और उसका मीन हॉटस्पॉट वैल्यू सेंडिंग वाइज निकाल कर उसका हमने ब्रांड ब्रांड मीन प्राइस निकाल के, अब ये ब्रांड मीन प्राइस में ला के हमें दे दिया ऑडी मर्सिडीज ब्रांड के हिसाब से उनके प्राइसेस वगैरह ला के दे दिए। अब पॉपुलर ब्रांड में हमने ग्रुप बाय इसी तरह ब्रांड ऑडोमीटर लिया, पहले प्राइस फिर ऑडोमीटर और उसकी सॉफ्टवेयर करा, अब ये इसने हमें ऑडोमीटर के हिसाब से ये सारी चीज़ें ला के दे दी। अब PD.data फ्रेम जो हमारा डेटा था उसमें हमने ब्रांड प्राइस रखा डेटा और प्राइस मिल किया। अब प्राइस मिल डॉट कॉलम में हमने मीन प्राइस रखा, मीन प्राइस से हमारे पास मीन प्राइस वाला कॉलम डेटा जो है वो लेकर आ जाएगा। अब प्राइस मिल डॉट इंडेक्स डॉट नेम इक्वल टू नन और प्राइस मिल मीन माइलेज ब्रांड मीन माइलेज, ब्रांड मीन माइलेज जो है वो हमारा ऊपर हमने लिया था
यहाँ पे, तो यहाँ से हमने इसको इसके इक्वल करवाया। अब प्राइस मिल जो हमारे पास आया था, प्राइस मिल हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया, उस प्राइस मिल में लाके दे दिया, उसकी मेन प्राइस और मेन माइलेज के हिसाब से, और ये हमारे ब्रांड के नाम से आ गया, ऑडी, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू। अब प्राइस मिल के अंदर हमने प्लॉट ग्राफ करवा लेते हैं, ये प्लॉट ग्राफ हो गया इनका, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, इन सबके हिसाब से, प्लॉट के हिसाब से। अब नॉर्मलाइज की वेरिएबल में हमने लिया प्राइस मिल डॉट कॉपी, प्राइस मिल की कॉपी जनरेट करवा ली। अब कॉल्स में प्राइस मिल डॉट कॉलम्स में उसके कॉलम्स ले लिए। अब नॉर्म्स इन कॉलम्स की हमने लूप लगा दिया, तो इसकी जितनी वैल्यू थी नॉर्मलाइज में हमने करवा दी। हाँ, अब हमारे पास जो ओटी इनके मीन प्राइस और मीन माइलेज आ गए, ये हमारे पास एक्चुअल निकल कर आ गए। अब नॉर्मलाइज और प्लॉट ग्राफ किया हमने, बार ग्राफ हमने इसका निकाला, जिसमें हमने टाइटल दे दिया अपने हिसाब से, और फॉन्ट कलर कस्टमाइजेशन हमने कर दी, एक्स लेवल हमने ब्रांड बता दिए, वाई लेवल हमने डेंसिटी बता दी, और प्लॉट शो करवा के हमने ये ग्राफ शो करवा दिया। उसके बाद ब्रांड मॉडल में पॉपुलर ब्रांड रुक पाया, ब्रांड मॉडल किया, वैल्यू अकाउंट निकाला उसका। अब ये हमारे पास वैल्यू अकाउंट निकल के आ गया मॉडल वाइज, ये ब्रांड ऑडी है, इसके मॉडल A4, A3, A6, सबके मॉडल वाइज उसने अकाउंट ला कर हमें दे दिया। टीबी में हमने कॉमन ब्रांड जो हमारा था उसके इंडेक्स सेव करवा दिया। उसके बाद बी टॉप्स एंड वेरिएबल उस एक एरे ली, और जो हमारा सीपी जो हमने ऊपर लिया था वो आई के लूप में रख के टॉप बी टॉप के एरे में जितने मॉडल थे वो सब सेव करवा दिए। अब टॉप मॉडल नाम करके हमने वेरिएबल लिया, पीटी डेटा फ्रेम से हमने टॉप मेन और आइटम्स निकाल के, और कॉलम्स ब्रांड और मॉडल्स हमने उसके अंदर सेव करवा दिए। अब प्रिंट करा टॉप 5 ब्रांड मॉडल्स कार, टॉप मॉडल्स, और ये हमारे पास टॉप 5 ब्रांड मॉडल्स कार नॉर्मलाइज और क्लीन होकर आ गई, जो कि हमारी ब्रांड और मॉडल्स के नाम आ गए, प्राइस और ऑडोमीटर के हिसाब से, जो ईबे की यूज़ कार पर लिस्टिंग हुई है।